आपका कृष्णा अकेडमी में आपका स्वागत है। हम चल रहे थे चैप्टर फर्स्ट में, हम कर रहे थे किसके बारे में कर रहे थे हम, जैसे कि हम किया था माइक्रोमीटर, इंट्रोडक्शन विद्युत के कार्य के बारे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि वह
के अंतर के नीचे निकलने देती है। जब चालक बिजली वाहक बल फर्स्ट है हमारी वोल्ट। वोल्ट क्या होती है? वोल्ट किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच बिजली के दबाव का वह अंतर है जिस कारण इसमें से एक एम्पियर का निरंतर करंट गुजरता है तथा एक वोल्ट की ऊर्जा खर्च होती है। फिर है हमारा सेकंड ओम। ओम चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध की वह मात्रा है जो एक वोल्ट के सदैव दबाव के अंतर नीचे बिंदुओं में से एक एम्पियर करंट निकालने देती है जब चालक बिजली वाहक बल की उत्पत्ति का स्थान ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम के बारे में। अब हम करेंगे कौन सी परिभाषित? वोल्ट की हो गई हमारी, ओम की हो गई हमारी, अब होगा हमारा एम्पियर। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, जिससे कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के उनके लिए आसानी हो। अब आप देखिएगा थर्ड है हमारा एम्पियर। यहाँ तक हो गया, अब एम्पियर की परिभाषा को थर्ड है हमारी एम्पियर। मीटर किलोग्राम काबल प्रति मीटर सुचालक लंबाई पैदा करता है। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। अब है हमारा सेकंड जो कि
एम्पियर वह निरंतर करंट है जो असीम लंबाई के दो समांतर सीधे एक मीटर की आपसी दूरी से निर्वायु में रखे गए सुचालकों के बीच 2×10⁻⁷ मीटर किलोमीटर का बल प्रतिरोध यानी प्रति मीटर सुचालक लंबाई पैदा करता है। ये हो गया हमारी एम्पियर की परिभाषा।